तो इतनी जानकारी स्पष्ट हो गई आपको। यह तात्क्षणिक वेग क्या है? तात्क्षणिक का मतलब होता है ना, जैसे 2 घंटे चला तो 2 घंटे का टोटल नहीं, किसी विशेष समय पर, जैसे 11वें सेकंड पर क्या वेग है, 12वें सेकंड पर क्या वेग है, ठीक है, इस छोटे समय अंतराल के लिए जो वेग होगा उसे क्या कहेंगे हम? तात्क्षणिक वेग कहेंगे। तो अब तात्क्षणिक वेग तभी मिलेगा जब समय अंतराल क्या हो, समय अंतराल टेंस टू जीरो, बहुत छोटा हो, डेल्टा टी टेंस टू। अगर समय अंतराल अति सूक्ष्म हो तब इस अवस्था में आप कौन से वेग की बात करोगे? तात्क्षणिक वेग। जो तात्क्षणिक वेग आएगा उस पे से ये बार वे हटा देंगे, क्योंकि ये औसत को व्यक्त करता है, तो सिर्फ होगा वेक्टर बी, और यहाँ पे लग जाएगी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। और जो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है, लिमिटिंग केस में अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो समय अंतराल अति छोटा हो जाए, तो इस छोटे समय अंतराल के लिए हम लोगों ने कौन सा डिफरेंशियल फॉर्मेट यूज़ किया था? डी एस डी टी। ऐसा कब? जब डेल्टा टी टेंस टू, यानी समय अंतराल बहुत छोटा हो, तब ऐसी अवस्था में हम डी एस डी टी का उपयोग करते हैं। तो जो ये डी एस डी टी है, ये अवकलन है, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन, पढ़ा चुके हैं कंप्लीट। और यही हमको प्रदर्शित करेगा क्या? तात्क्षणिक वेग को, ठीक है। अब वेग हो गया, परिभाषा हो गई, वेग की परिभाषा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन की दर को ही वेग कहते हैं। इतनी जानकारी स्पष्ट है, उसमें से एक औसत हो गया और एक आपका तात्क्षणिक हो गया। अब इसके बाद है कि वेग का मात्रक क्या है, यूनिट। तो वेग का मात्रक क्या होता है भाई? मात्रक लिखोगे वेग का, तो अगर यूनिट ऑफ वी लिखते हो आप, तो यूनिट किसका लिखना पड़ेगा? विस्थापन का, और वो है मीटर, और समय अंतराल का होगा, तो ये हो गया मीटर प्रति, लेकिन ये किस पद्धति में है? एम के एस। और भी पद्धतियों में जैसे सेंटीमीटर पर सेकंड भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ये किस पद्धति में हो जाएगा? सी जी एस में। हम इसे किलोमीटर पर आवर भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ये बड़ा यूनिट हो जाएगा। लेकिन मात्रक तो सभी वेग के ही हैं भाई, समय के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन की दर ही तो सब बता रहे हैं। इसमें से एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकंड, इसमें एक गहरा रिश्ता होता है, उस रिश्ते को समझो। क्या रिश्ता है? 1 किलोमीटर पर आवर को हम चाहें तो 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। अगर इसे सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा? 1 किलोमीटर पर आवर, इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 पंचे 10 और 2 8 36, तो ये आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी अगर किलोमीटर पर आवर है तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल के लिए मान लो वेग दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, और इसे कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। एक वेग है 72 किलोमीटर पर आवर और इसे हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो हम क्या करेंगे? ये जो 72 है, इस किलोमीटर पर आवर को हटा के उसमें 5/18 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो 18 चौक 72 4 5 20, इसका मतलब वेग आएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ से चाहे तो मात्रकों का रूपांतरण कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। और इसका जस्ट उल्टा अगर आप लिखो, तो आप चाहो तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदल सकते हो, लेकिन कैसे? तब 18 एकम 18, अब बटे में 5 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, यानी 1 मीटर पर सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर।
ऐसा उपयोग करोगे तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, और 5/18 उपयोग करोगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये रहा इसका मात्रक, बड़ा मात्रक और छोटा। बीमा क्या होगी इसकी, बीमा कितनी होगी भाई? यस, अगर आप बीमा लिखते हो, बीमीय सूत्र, देखो बीमा और बीमीय सूत्र में अंतर है ना, तो अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं वेग का, तो डिस्प्लेसमेंट यानी मीटर का यल लिखेंगे और समय का टी, तो यल बाई टी होगा, या इसे कहेंगे यल टी पावर माइनस वन। ये इसका बीमीय सूत्र है। और अगर बीमा की बात करें तो बीमा क्या है? नहीं, बीमा द्रव्यमान में 0, लंबाई में 1 और समय में ऋण 1, ये आपको लिखना पड़ेगा। 0, 1 एंड निगेटिव 1, द्रव्यमान है ही नहीं इसमें, तो द्रव्यमान के लिए 0, लंबाई के लिए पावर 1 है, और समय के लिए पावर क्या है, ऋण 1, ये यूज़ किया तो ये हो गई इसकी बीमा। तो हमने क्या क्या सीखा, वेग क्या है, विस्थापन परिवर्तन की दर है। अगर कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल यूज़ करोगे तो कौन सा वेग मिलेगा, औसत वेग। अगर तात्क्षणिक वेग लेना है तो समय अंतराल अति सूक्ष्म होना चाहिए, और तात्क्षणिक वेग निकालने के लिए हमें विस्थापन का समय के सापेक्ष क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। और इसके मात्रकों में ये हो गए, आ रही होगी बीमा, इतना आप नोट कर लो, फिर इसके आगे बताते हैं। वेलोसिटी, अगला हेडिंग वेग के घटक, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वेग के घटक समझो आप, उससे पहले दो तीन बातें अच्छे से समझ लो, तीन बातें मुख्य रूप से। पहला कि जो कोई सदिश होता है, उस सदिश में क्या क्या चीज़ें होती है भाई, परिमाण होता है एक, और एक होती है उस सदिश की दिशा। इस सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो कोई भी अगर आप वेक्टर लिखते हो तो उस वेक्टर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और दिशा। दिशा सदिश की कौन व्यक्त करेगा, उसके लिए यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, कौन सा सदिश, हिंदी बोलते हैं एकांक सदिश। कौन सा सदिश, तो जो एकांक सदिश होता है वास्तव में वही किसी भी सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। तो जब भी हम कोई सदिश लिखेंगे तो उसमें परिमाण होगी और दिशा होगी, दिशा के लिए एकांक सदिश का प्रयोग करना होगा। बात स्पष्ट है? अब मुद्दा यह है कि एकांक सदिश होते क्या हैं। तो हमारे पास जो दिशाएं हैं, हम 3D स्पेस में चले, 3D में, त्रिआयामी घटकों में, एक यक्स डायरेक्शन है, एक वाई डायरेक्शन है, और एक जेड डायरेक्शन है। इस जेड डायरेक्शन को जी एक्सिस भी कहते हैं। कौन सी एक्सिस, जी क्यों कहते हैं, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण भी हमेशा ऊर्ध्वाधर कार्य करता है, इसलिए इसे जी एक्सिस भी कहा जाता है। ग्रेविटी एक्सिस कहते हैं, क्योंकि ये सतह के क्या होता है, लंबो। यक्स एच वाई एच के बीच का कोण 90, वाई जेड के लिए, यानी प्रत्येक तीनों जो अच्छे हैं वो एक दूसरे के लंबवत होती हैं। जो यक्स दिशा है, इसके एकांक सदिश को व्यक्त करने के लिए आई कैप का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, आई कैप। वाई दिशा को व्यक्त करने के लिए जे कैप का इस्तेमाल करते हैं। जेड दिशा को व्यक्त करने के लिए के कैप का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ध्यान देना, एक्स डायरेक्शन में कोई पिंड गति कर रहा है तो उसकी दिशा के लिए आई यूज़ करोगे, वाई के लिए जे और जेड के लिए के। जैसे मान लो कि कोई कण एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा है तो इसका वेग बी एक्स लिखा जाएगा। एक्स दिशा में गति कर रहा है एक्स अक्ष के अनुसार तो उसे बी एक्स लिखेंगे। एक्स दिशा में इसका परिमाण क्या है, मान लो बी एक्स, और यूनिट वेक्टर क्या है, आई। तो जो सदिश होगा बी एक्स, वेक्टर बी एक्स बराबर वो बी एक्स इंटू आई होगा। ऐसे वाई डायरेक्शन में अगर कोई पिंड गति कर रहा है तो इसके वेग को लिखेंगे बी वाई,
और वेक्टर बी वाई का परिमाण मान लो बी वाई है और एकांक सदिश क्या है जे कैप। ऐसे जेड डायरेक्शन में कोई अगर पिंड गति कर रहा है या कोई वस्तु गति कर रही है तो इसके लिए वेग को लिखेंगे बी जेड और सदिश रूप में लिखेंगे, तो इसका परिमाण लिखेंगे, परिमाण मान लो क्या है बी जेड है और एकांक सदिश क्या लिखोगे के कैप। तो इस तरीके से हम वेग को यक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं कि एक परिस्थिति ऐसी है जो यहाँ चित्र में दिखाई गई है, ध्यान देना, ये यक्स है और ये वाई है और यक्स वाई तल के लिए कोई ग्राफ ऐसे खींचा गया और पिंड इस पर गति कर रहा है, यहाँ पिंड यहाँ गति कर रहा है इस दिशा में, तो जो पिंड का वेग है वो भी इस डायरेक्शन में होगा। यक्स अक्ष से मान लो थीटा कोण बनाते हुए है, यक्स अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए इस दिशा में गति कर रहा है, तो इस वेग के कितने घटक बनेंगे, दो घटक, एक यक्स घटक और एक वाई घटक। जो यक्स घटक होगा वह ज्ञात करने के लिए यहाँ से लंब डाला जाएगा और यहाँ से लंब डालेंगे, मान लो ये पूरी लंबाई क्या है बी एक्स है, ये पूरी लंबाई क्या है बी वाई है। तो ऐसे में अगर हम सदिश लिखें यक्स दिशा का तो वेक्टर बी एक्स को क्या बोलोगे आप, वेक्टर बी एक्स बराबर बी एक्स इंटू आई कैप। वेक्टर बी वाई को क्या लिखोगे, बी वाई इंटू जे कैप। तो यहाँ से अगर हम इस वेग बी को देखें तो जो वेक्टर बी है वास्तव में वो दो टुकड़ों में बट गया एक्स और वाई, तो एक को लिख सकते हैं बी एक्स और एक को लिख सकते हैं बी वाई। ये जो आप देख पा रहे हो एक्स और वाई, इन्हीं को बोलते हैं कंपोनेंट, क्या कहते हैं कंपो, यानी इन्हें कहा जाता है घटक। तो एक वेग को हम उसके घटकों के योग के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी वेलोसिटी को उसके घटकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जानकारी स्पष्ट है। अब अगर टू डायमेंशन है तो दो घटक बनेंगे, थ्री डायमेंशन होगा तो तीन घटक बनेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मान लो कोई कण यहाँ गति कर रहा होता है स्पेस में, तो इस स्पेस में इसकी गति के लिए वेग के कितने घटक बनते, तीन, एक बनता एक्स घटक, एक बनेगा वाई घटक और एक बनेगा जेड घटक। तो इस तरीके से देखो तो यहाँ वेग बी जो है वो कितने घटकों में टूट गया, तीन घटकों में टूट गया है। तो किसी भी वेग को हम उसके घटकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो त्रिविमीय हो चाहे वो द्विविमीय हो, इतनी जानकारी स्पष्ट है। एक्स दिशा को व्यक्त करने के लिए कौन सा सदिश यूज़ करोगे, आई कैप। वाई दिशा के लिए और जेड दिशा के लिए के कैप का इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। अब इसके बाद जो बारी है वेग में पढ़ने की वो है वेग का ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वक्र हिंदी में कहते हैं, वेग समय वक्र, वेलोसिटी टाइम कर्व या शॉर्ट में बीटी कर्व बोलते हैं, बीटी कर्व। तो इसमें हमें वेग को समय के सापेक्ष बदलते हुए प्रदर्शित करना है, वो भी आरेख के माध्यम से। आरेख क्या होता है, वास्तव में गति तो पेपर पे होती नहीं है, जैसे भी व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड पे कार थोड़ी ना चल रही है, क्या इस पे कार चल रही है, क्या इस पे चींटियाँ चल रही हैं, नहीं, हम कार की, ट्रेन की, हवाई जहाज़ की गति, सबकी गति को इसी बोर्ड पे दर्शाएंगे। पर क्या वास्तव में हवाई जहाज़ उड़ रही है यहाँ, नहीं, और उड़ सकती है क्या, नहीं उड़ सकती है। तो हमें एक ग्राउंड की परिस्थिति को इस बोर्ड पे लाना होता है, इसीलिए हमें मानक मानने पड़ते हैं, जैसे यक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, पर ये वास्तव में क्या है, ग्राउंड पोजीशन है, धरातल की स्थितियां हैं। अब ट्रेन चली 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो हम यहाँ बना देंगे ट्रेन चली 20 मीटर पर सेकंड के वेग से, पर क्या सच में यहाँ ट्रेन चलेगी, क्या हम इस पर ट्रेन चला सकते हैं, ना ट्रेन चलेगी ना हम ट्रेन चला सकते हैं,
पर उस ट्रेन को हम यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। तो जो आप यहाँ बना रहे हो वो सब आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, पर उसको देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ ग्राउंड सड़क पर या ट्रेन की पटरी पर क्या हो रहा है, या हवाई जहाज़ की क्या गति है, कैसी स्थिति उसकी है, इसका आंकलन हम कर सकते हैं। तो ग्राफ पेपर की दुनिया और हकीकत जो है वो दोनों को हमें ला के क्या करना पड़ा था? मेल कराना होता है, और इस मेल कराने में हमें मानक बनाने पड़ते हैं, पैमाना बनाना पड़ता है, तब जा कर के ये मेल खाता है। तो जैसे ग्राउंड पे अगर मान लो सड़क है, तो सड़क पे कोई बस जा रही है, तो कोई भी आदमी सड़क पे अगर खड़ा है तो वो उसके लिए निर्देश तंत्र हो जाता है, रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा, या कोई मकान है या स्टेशन है वो रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। लेकिन बोर्ड पे तो रेलवे स्टेशन नहीं ना है, तो यहाँ क्या होगा रेफरेंस फ्रेम? तो यहाँ पे यही एक्स एच वाई एच और जो जेड एच होते हैं, इन्हीं को गति के साथ जोड़कर इन्हें कहते हैं कि ये क्या है? रेफरेंस फ्रेम है, निर्देश तंत्र है, और इसी के सापेक्ष गति को हम प्रदर्शित करते हैं। तो वास्तव में ग्राफ खींचने का जो तरीका है वो यही है कि ग्राउंड रियलिटी को पेपर पर हमें शो करना है, उसके लिए हमें पैमाना मानना होगा और पर हर परिस्थिति को जानना होगा। ग्राफ बनाना तो हमने वेग का दूरी का भी सीखा है, वैसे इसका भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ आंकड़े वही रहेंगे परंतु परिस्थितियाँ अलग अलग रहेंगी। जैसे फर्स्ट केस में मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ये हो गया टाइम और ये एक्सिस हो गई वेलोसिटी की, तो वी टी एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, और आप जानते हो मूल बिंदु हमेशा किसको व्यक्त करता है? रेस्ट को, विरामावस्था को। अगर मैंने यहाँ से कोई रेखा खींचा है तो इसका मतलब है कि जो बस है, ट्रेन है या कोई व्यक्ति है, उसकी गति कहाँ से शुरू हुई है? विरामावस्था से। अगर आपने मूल बिंदु से खींचा तो इसका मतलब वो विरामावस्था से गति करना शुरू किया है। ये रेखा कैसी है? स्ट्रेट है, सीधी रेखा, इसलिए ये कौन सा मोशन हुआ? यूनिफॉर्म मोशन हुआ, एक समान गति हुई, और एक समान गति है तो यहाँ से वेग का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे लंब, और इस लंब में ये जो परिस्थिति देख रहे हो ये वेग परिवर्तन की स्थिति है, और जो ये आधार दिख रहा है वो समय अंतराल है, ये समय है और ये वेग है। यहाँ से लंब डालेंगे तो ये वेग में परिवर्तन ही तो बताएगा अच्छा हमें। तो जो वाई वाई अच्छा है वो वास्तव में वेग अच्छा हमने बना रखा है, ये वेग में परिवर्तन को व्यक्त करता है और ये समय अंतराल को व्यक्त करता है। इसमें से एंगल मान लो ये क्या है? थीटा। तो यहाँ से पहली चीज़ हम प्रवणता ज्ञात करेंगे, जो इसकी प्रवणता मिलेगी, प्रवणता क्या होती है जी? टैन थीटा, और टैन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है? डेल्टा वी, और आधार क्या है? डेल्टा टी। वेग सदिश राशि है इसलिए यहाँ वेक्टर क्वांटिटी यूज़ करेंगे, हम तीर लगा देंगे। तो ये जो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी देख रहे हो ये क्या है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की ये राशि है ना, और समय के सापेक्ष वेग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। समय के सापेक्ष वेग में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। तो एक प्रश्न यहाँ से आपके लिए तैयार हो गया, अगर पूछा गया कि वेग समय ग्राफ का जो परिवर्तन है वो किस राशि को व्यक्त करती है? उत्तर होगा त्वरण को व्यक्त करती है। ठीक है, त्वरण भी सदिश राशि है, किससे दर्शाते हैं? वेक्टर ए। और अगर समय अंतराल डेल्टा टी अति सूक्ष्म कर दिया जाए तो ऐसे में जो ये डेल्टा बी बाई डेल्टा टी है ये क्या बन जाएगा? डी बी डी टी बन जाएगा। तो त्वरण ए बराबर हो गया डी बी डी टी। तो आपको पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है कि वेग समय ग्राफ का जो प्रवणता है वो किस राशि को व्यक्त करेगा? त्वरण को व्यक्त करेगा। दूसरा पॉइंट, अगर इस वेग समय ग्राफ का हम क्षेत्रफल ज्ञात करें, वेग समय ग्राफ का क्या ज्ञात करें? हाँ, क्षेत्रफल एरिया। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है अगर नामकरण करके ओ ए बी लिख दें, तो त्रिभुज ओ ए बी का जो क्षेत्रफल है, अगर आप ये क्षेत्रफल ज्ञात करते हो तो आपको कौन सी राशि मिलेगी?
त्रिभुज इस ओ ए बी का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो कौन सी राशि मिलेगी? एक बटे दो आधार गुणे ऊंचाई तो फार्मूला है, पर राशि कौन सी मिलेगी, कौन सी भौतिक राशि मिलेगी आपको? नहीं, देखो जब वेग समय वक्र होता है ना, तो वेग समय वक्र के ग्राफ का जब भी क्षेत्रफल निकालोगे उससे आपको क्या मिलेगा? विस्थापन। क्या मिलेगा? विस्थापन। सदैव कौन सी राशि आपको प्राप्त होने वाली है जी? विस्थापन मिलेगा। तो जब आप वेग समय वक्र का एरिया ज्ञात करोगे तो क्या मिलेगा? विस्थापन। अब अगर ये त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल एक बटे दो आधार गुणे ऊंचाई से लगा देंगे। अब जरूरी नहीं कि ग्राफ हर बार त्रिभुज जैसा ही बने, आयत भी हो सकता है, समलंब भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, भिन्न भिन्न आकृतियाँ हो सकती है। तो मैं दो तीन आकृतियों को लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर त्रिभुज है तो आप समझ गए एक बटे दो आधार गुणे ऊंचाई से आ जाएगा, लेकिन अगर ये त्रिभुज नहीं समलंब होता था, समलंब होता तो एक बटे दो समांतर भुजा का योग, समांतर भुजाओं का योग अवगुणे बीच की दूरी। अब ये कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको आगे जब ग्राफ का प्रश्न लगवाऊंगा तब वहाँ बता दूंगा। अगर ये आकृति आयत होती तो क्षेत्रफल क्या लिखते हैं? लंबाई गुणे। अगर ये आकृति वर्ग होती तो क्षेत्रफल क्या लिखते हैं? भुजा का वर्ग, कोई एक भुजा ज्ञात करते उसका वर्ग कर देते। पर ध्यान में रखना कि जब इस वेग समय वक्र का आप क्षेत्रफल निकालोगे तो उससे आपको क्या मिलेगा? विस्थापन ही मिलेगा, ठीक है। अब वो आकृति कैसी है उसके अनुसार फॉर्मूला आपको लगाना होगा। तो ये केस वन रहा जिसमें दो बातें हमने आपको बताई, एक प्रवणता का और एक विस्थापन का। इतनी बात स्पष्ट है तो इतना आप नोट कर लो, फिर इसके आगे हम आपको ग्राफ के और भी परिस्थितियों को समझाते हैं।